शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तेरे साथ गुजारा करना सबके बस की बात नहीं आफ्ताब। आफ्ताब मेरी बात मान ले, वापस चल। देख, बॉर्डर पर चोरी करना बच्चों का खेल नहीं है, पकड़े गए तो मारे जाएंगे। आफ्ताब, आफ्ताब मेरी बात सुन, वापस चल। आफ्ताब, आफ्ताब क्या कर रहा है तू? जितना कहा है उतना कर। बाहर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तेरा आदमी सही जगह पर मुस्तैद था। जल्दी माल निकाल लो, एक घंटे में तुम्हें वापस जाना है वरना ड्यूटी बदल जाएगी। चलो। मुस्तफा है, हमारे गांव का चोरा। खाल उतार दूंगा थारी। बॉर्डर की चौकी पर सोते हो? सोते हो? दो दिन पहले पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था यहाँ की तस्करी को लेकर। ठोक देंगे इंक्वायरी कमीशन हमारे ऊपर। ठोक देंगे इंक्वायरी कमीशन हम पर। क्या जवाब दूंगा? जय जमल चाय उड़े रहा था, असल जाग छुड़ा रहा था,
छोड़ दीजिए सर। सालों को तिवारी बैकुंठ साहब, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा, ये तो मामूली प्यादे हैं, असली मलाई तो कोई और खा रहा है। कुछ तो करना ही होगा भक्ता, ये राजस्थान है, यहाँ के रेत के बवंडर में बहुत कुछ छिपा है, मजा आएगा। बता उस रात ट्रक में तेरे साथ कौन था? अपने मुंह से क्या तारीफ करेगा, मेहनत से तो डरता ही नहीं मेरा बेटा, 2 महीने में एक कारखाना खड़ा कर लिया है, खुदा की मेहरबानी से जिंदगी मजे से कट रही है, बस एक कमी है तो बहू की जो घर में आके राज करे। इसके अब्बा क्या करते हैं? जी वो हमारे साथ नहीं है, वो उनके साथ हैं जिन्हें शायद वो हमसे ज्यादा चाहते हैं। कब हुआ इंतकाल? रुखसाना बेटी नहीं नजर आई, अभी बुलाती हूँ। ठहरो बेगम, उससे पहले कुछ बातें साफ हो जाए तो बेहतर है। हम समझे नहीं। देखिए बहन जी, हम भी राजस्थान के हैं, जात बिरादरी में उठना बैठना होता है, अब लोग आगा पीछा पूछेंगे तो क्या कहूंगा, शराफत बाजार से तो नहीं खरीदी जा सकती, वो तो खून में होती है। शेख साहब, मेरे अब्बा अजमेर में मौलाना थे और मेरे दादा नवाब के मौलवी थे। और आफताब के अब्बा? रहने दीजिए बहन जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए, इसके नाम के आगे कोई नाम नहीं है, बाप का नाम ही वो कश्ती है जो औलाद के लिए जिंदगी के तूफानों में सहारा होती है, इसके पास तो तिनके का भी सहारा नहीं है। चलो अम्मी। वकील ने मुझे सब कुछ बता दिया है जय, तुमने एक बार फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है ना? मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा रागिनी, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी पक्की है कि वो लोग मुझे ना कर ही नहीं सकते। आपकी मेहनत से मैं और मेरे पार्टनर्स बहुत खुश हैं। वेल डन मिस्टर धनंजय। थैंक यू सर। वेल दैट्स प्रीटी मच इट जेंटलमैन। मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरों के मेन होर्डिंग्स और 40 अखबारों के पूरे पूरे पन्ने बुक कर चुका हूं, एडवांस पेमेंट जा चुकी है, आपका ये प्रोडक्ट एक तूफान, एक सैलाब की तरह आएगा सर, और हिंदुस्तानी मार्केट पर काबू कर लेगा। मिस्टर पंडित। सर आप जानते नहीं मैंने इस पर कितनी मेहनत की है। वी मस्ट मूव विद दिस कैंपेन इमीडिएटली सर। मिस्टर पंडित, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत तब होंगे जब हमारे चेयरमैन परसों विलायत से लौटेंगे। कांग्रेचुलेशंस, एनीवे कॉन्ट्रैक्ट आपका ही होगा। थैंक यू वेरी मच। जय जल्दी करो, शो शुरू हो जाएगा। अरे पहले मेरा प्लान तो सुनो। ओफो, अब कौन सा प्लान है जय? हमारी बाकी जिंदगी का प्लान। अरे रागिनी सुनो तो सही, मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया है। ओके टेल मी। ग्रेट, एक बार मेरी फॉरेन कंपनी के साथ डील पक्की हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत हो जाए, तो बस 14 तारीख को शादी की शॉपिंग और तैयारी शुरू, 16 तारीख को शादी के कार्ड छपेंगे, 18 तारीख को कपड़े। बस बस इतने सपने मत देखा करो, डर लगता है। जिंदगी में 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, अचानक कुछ भी हो सकता है। अरे अचानक वचानक कुछ नहीं होता रागिनी, ये सब डरपोक लोग सोचते हैं, मैंने जो सोचा है वो पाके रहूंगा। पा सकूंगा ना? जरूर पा सकोगे। जय, तुम्हारी फोटो और वो भी पेपर के पहले पन्ने पर। चेक दिस, धनंजय पंडित।
बस बस बस, मेरे हिसाब से आज के लिए डायनामिक तक ही काफी है। और साथ में हैंडसम भी। हाँ, लेकिन साथ में तो स्वराज जी खड़ा है। बुड्ढा तुम्हें हैंडसम लगता है क्या? शायद। शट अप रागिनी, अब तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस दुनिया के बारे में मैंने सोचा है उसमें बस हम और तुम रहेंगे, और हमारे साथ कामयाबी ही कामयाबी। क्यों, क्या ख्याल है? बच्चे हो तुम, बिल्कुल बच्चे। हाँ बच्चा हूँ, मगर बहुत शरारती हूँ। बैंड बजा दूंगा तुम्हारी। हेलो मिस्टर पंडित। हाँ जी, दिस इज मिस्टर पंडित। मैं डॉक्टर शेखावत बोल रहा हूँ, मानपुर राजस्थान से। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहिए। आपके पिता मेरे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या हुआ बाबा को? उनकी हालत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं भी आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ का ICU वार्ड का है। Do you understand? बोल नहीं सकता क्या? पढ़ नहीं सकता क्या? Bloody idiot. भाई साहब जी, मिस्टर रमाकांत पंडित का मिलेंगे, आइए हमारे साथ। बेटा जी सुनो, तुम धनंजय हो? हाँ जी। जीते रहो जी। बेटा तुम कौन है? वो बताती हूँ। बाबा ये सब क्या है? इतने महीनों से आपकी कोई खबर नहीं, और अचानक ये सब। आपको फौरन मेरे साथ वापस आना पड़ेगा। और सब खत्म हो चुका है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ बोलोगे नहीं? क्या सुनना चाहती हो? कि मैं अपने बाप के बारे में जानकर बहुत खुश हूं, उसके होने ना होने से कुछ नहीं बदला, मैं तो आज भी वही हूं, किसी की ना जायज औलाद। ऐसा मत बोल बेटा, वो तुझे अपना नाम देना चाहते हैं। मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं, मेरा नाम आफताब है और मेरी कहानी इसी से शुरू होती है और इसी पे खत्म होगी। मैं और मरियम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन उन दिनों एक हिंदू लड़के से मुसलमान लड़की की शादी। फिर भी तुम्हारे दादा से इजाजत लेने के लिए मैं कलकत्ता से बंबई आया, लेकिन किस्मत देखो, तभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच 1971 की लड़ाई शुरू हो गई, और एक दिन अखबार में मैंने मरने वालों में मरियम का नाम पढ़ा, बस हार मान ली मैंने, और कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ से मेरी शादी हो गई। लड़ाई के आखिरी दिनों में पता चला कि तू मेरी कोख में है। मैं उनसे मिलने बंबई गई, वो तो नहीं मिले, लेकिन उनकी बीवी ने अपने बसे बसाए घर का वास्ता देकर मुझे लौटने पर मजबूर कर दिया। और बेटे, मरते वक्त तुम्हारी माँ ने बताया कि मरियम जिंदा है और मेरा बच्चा उसके साथ है। कई महीनों की तलाश के बाद आखिर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। उस दिन से बस वो तुम्हें मिलने की भीख मांगते रहे, और मैं उन्हें मना करती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारी जिंदगी की सारी कड़वाहट, सारी नाराजगी का सारांश वो आदमी है। बेटा मैंने डर को कभी अपने नजदीक आने नहीं दिया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि तू मेरी कोख में है, मेरे अंदर से आवाज आई, क्या मुझे हक है इस बच्चे को दुनिया में लाने का? ये जानते हुए कि मैं एक नाजायज औलाद पैदा करने जा रही हूं, ये जानते हुए कि दुनिया का हर आदमी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस बच्चे को अपनी इज्जत की ढाल बनाएगा, तब मेरे अंदर से जवाब आया, मेरे इस फैसले को पाक बनाना सिर्फ मेरे बच्चे के हाथ में होगा। तू चाहती है ना मैं उससे मिलूं? चल। इस तरह नहीं बेटे, मैं इतना बड़ा नहीं हूं जो अपनी सारी जिंदगी का जहर
एक ही घोड़ पे बैठा हूं।